तो अभी हम पटना के कड़बी गैया में हैं, और कड़बी गैया के छोटी मस्जिद के इमाम साहब आज हमारे साथ हैं, जिनका एक फाउंडेशन है। तो आइए उनसे बात करते हैं और फाउंडेशन के बारे में जानते हैं कि फाउंडेशन क्या करता है और क्यों करता है। हमारे इस फाउंडेशन के कायम करने का मकसद ये है कि तालीमी मराकज़ और ग़रीब गुरबा इन बच्चियों की शादी के मामले में, और जैसे इलाके में सैलाब के मामलात आते हैं और गरीबों के घर उजड़ जाते हैं, इस सिलसिले में हमारा ये अब्दुल वहीद व इकरामुल हक फाउंडेशन काम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सैलाब जदगान के लिए यहाँ से रिलीफ किट जो है अब्दुल वहीद व इकरामुल हक फाउंडेशन की जानिब से पटना से जो है दरभंगा के लिए रवाना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फाउंडेशन जो है काम बेहतर तरीके से कर रही है, और आगे मज़ीद अगर आप हजरात का तआवुन रहा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये फाउंडेशन मज़ीद और आगे काम करती रहेगी, और गरीबों के हक़ में और आपकी अमानत जहाँ तक हो सके ये फाउंडेशन पहुँचाने की कोशिश करेगी। तो मेनली जो अभी आप स्टार्ट किए रिलीफ किट जो है आपका एक पोस्टर में, तो अभी फ़िलहाल आप सैलाब के लिए कर रहे हैं, तो सैलाब आया हुआ बिहार में, आपको 40-30% बिहार आपको डूबा हुआ है, तो देखा जाता है कि जो फाउंडेशन ही वाले हैं जैसे आपका है, काफ़ी सारे लोग हैं, या अभी बहुत सारा डोनेशन हो रहा है, वो लोग हेल्प करते हैं, सरकार इसमें क्यों नहीं कुछ करता है सर? अब देखिए, सरकार की अपनी मर्ज़ी है और अपनी उनकी पॉलिसी है। हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ ये है, चाहे वो फाउंडेशन हो या सरकार हो, सबसे पहले उनके अंदर एक दिल होनी चाहिए और इंसानियत का दर्द होना चाहिए कि कहीं कोई डूब रहा हो तो ये देखना चाहिए कि वो इंसान डूब रहा है। और अगर दिल है आपके अंदर और एहसास है तो आप उस एहसास को महसूस कीजिएगा, उस दर्द को महसूस कीजिएगा कि नहीं, वो जो है इंसान डूब रहा है, और उसका दर्द हमारे दिलों में हो जब होगी तो यकीन जानिए चाहे वो तंजीम हो या इदारे हो या सियासी लोग हो, लीडरान हो, वो भी आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। मगर असल बात यह है कि आज ये दौर है कि हर लोग अपने अपने मफाद के लिए आगे आना चाहते हैं, अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। हमें इंसानियत का दर्द है और हम इंसानी और अखलाकी फरीज़ा ये समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो इस चीज़ को महसूस करते हैं, गरीबों के दर्द को महसूस करते हैं, वही आगे आते हैं। जिनके दिलों में गरीबों के लिए कोई एहसास नहीं है न दर्द है, वो आगे नहीं आते, और सिर्फ अपने मकासद के लिए जब इलेक्शन का मौका होता है तब आवाम में जाकर करके खुद जो है कुछ कर दिया और ऐसा काम कर दिया कि ताकि उस वक्त नाम हो और इलेक्शन का ताज़ा मामला हो ताकि हमें वोट बटोरा जा सके। ये आपका फाउंडेशन आपने कब बनाया था? ये फाउंडेशन 2021 में इसकी बुनियाद पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 है, और हम लोगों की कोशिश होती है कि पूरे बिहार में कहीं भी अगर ऐसे मामलात हो तो ये हमारा जो फाउंडेशन है हर जगह कायम करे, जो है कायम करके उन गरीबों तक आपकी अमानत को पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ताकि इस फाउंडेशन के ज़रिए से गरीबों की खैर हो और फला बहबूद हो। और हमारा यही मिशन है और हमारा यही मकसद है कि जो है गरीब तक अमानतें आवाम की पहुँचे, और उनके लिए जो हो सके हम तमाम लोग कोशिश करें कि उन गरीब तक जो है हम वसाइल पहुँचाएँ और उनके मसाइल को सुने, उनकी जो है दुख और परेशानियों में हम शामिल हों, उनके दुख दर्द को बांटें। फाउंडेशन से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आगे मज़ीद ये है कि ख़ास कर करके हमारे समाज में ऐसे तबके हैं, ऐसे गरीब हैं जो बाज़मीर हैं, वो अपनी बच्चियों की शादी में आपके दरवाज़े पर, मस्जिद के दरवाज़े पर या बाज़ार और मार्केट में जाते नहीं हैं अपनी बच्चियों की शादी के इंतज़ाम के लिए। ऐसे बाज़मीर लोग हैं, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें और वो गरीब तबका जो बाज़मीर हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम अपनी ज़मीन का सौदा ना करके, हम दर दरवाज़े पर जा कर करके अपनी इज़्ज़त को ना लुटाएं, अपनी ज़मीन को ना बेचें, तो हमारी ये कोशिश है, हमारी फाउंडेशन का ये कोशिश है कि फ्यूचर में हम ये काम करने की कोशिश करें कि हमारे समाज में, मुआशरे में वो गरीब तबका जो बच्चियों की शादी के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं, तो हम लोगों की कोशिश है कि उनके उन गरीब बच्चियों की शादी के लिए जहाँ तक हो सकेगा ये फाउंडेशन जो है काम करेगी, और उनको दरवाज़े पर, उनको बाज़ारों में आने की ज़रूरत नहीं है, उनको मस्जिदों और मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा ये मकसद भी है चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम उन तमाम मज़हबों को मज़हब के आईने से नहीं बल्कि इंसानियत के आईने से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो इंसानियत,
चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, हमारा फाउंडेशन इसके लिए कायम काम करेगा और इंशाअल्लाह ये कायम इसी बुनियाद पर हुआ भी है। हम मज़हब को ना देकर के हम इंसानियत को देखेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, गरीब बच्चे की शादी का मसला हो, चाहे वो गरीब बच्चा जो तालीम हासिल करना तो चाहता है मगर वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, असबाब नहीं है, उन सब के लिए हम लोग असबाब वसाइल जो है एहतमाम के साथ उसे फराहम करेंगे।